और तेरी आप सभी यहीं हो। What's up guys, it's a great day, it's a beautiful day और आज हमारी डे नंबर 3 की शुरुआत हो चुकी है। हम बैठे हैं टू द अदर साइड ऑफ द मैजेस्टिक सोमोरीरी और हमारे आसपास ना बंदा है ना बंदे की जात। Cheers। तो दोस्तों अपडेट कुछ इस तरह है कि पिछले ब्लॉग में हमने कुछ 380 किलोमीटर करके इस डेस्टिनेशन में पहुंचे जहाँ पे अपना हमने कैंप साइट सेट किया। ब्लॉग तो खत्म हो गया पर हम आपको एक चीज नहीं बता पाएगी, दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट नाइट्स ऑफ मी स्लीपिंग इन अ कैंप। भाई रात को आसमान फटा नहीं अगर हमने अपने टेंट को गाड़ी से नहीं बांधा होता हमारा उड़ गया था रात को। बट यू नो एज दे से कि टू एक्सपीरियंस द बेस्ट यू हैव टू गो थ्रू द वर्स्ट, सो टू एक्सपीरियंस द बेस्ट मॉर्निंग्स यू हैव टू स्लीप थ्रू द बेस्ट नाइट। तो 380 किलोमीटर यानी मनाली से बारालाचा, बारालाचा से पांग, पांग से आगे मोरे प्लेन्स, वहां से राइट लेके सोकर, सोकर के बाद क्रॉसिंग पुगा एंड एंजॉयिंग द हॉट स्प्रिंग्स इन पुगा। ब्रो व्हाट वाज योर हॉट स्प्रिंग एक्सपीरियंस लाइक? ब्रो अगर नहीं करते रिग्रेट नहीं जाता आज बैठ के मैं ये बोल रहा होता तुझे भी यार कि दूर पुगा के बाद हम फाइनली पहुंचे सोमोरीरी 380 किलोमीटर करते हुए। ऑन द फ्यूल अपडेट हमारे पास चार जेरिकान भी बचे 80 लीटर के, हमारे पास कुछ 30 लीटर फ्यूल गाड़ी में बचा है और हमारी गाड़ी अभी तक दे रही है हमें 7.4 का एवरेज, मगर कैन एवरेज आर वी गेटिंग राइट नाउ, आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड एंड स्वीट स्पॉट। और हमारी गाड़ी में जितना तेल है अभी वो हमें देगा रन ऑफ 670 किलोमीटर्स और हमें जाना है 630 किलोमीटर टू द नेक्स्ट पेट्रोल पंप जो कि है टिस्किट नूबरा वैली में। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू। कॉफी खत्म हो गया? ओह प्रिपेयरिंग द कार। ओह बाय द वे सारी बैटरियां खत्म हो चुकी है, सारी की सारी सिर्फ GoPro जिंदाबाद, सिर्फ GoPro चल रहे हैं इस टाइम पे। DSLR की जिसे शूट हो रहा है इसकी बैटरी बची है, दोनों DSLR की बैटरी खत्म है। FPV की बैटरी मैंने 3 दिन से इसको चालू नहीं किया था तो 75% पे चली गई है, तो उनको किक स्टार्ट करना है। तो अभी बिफोर फर्दर ड्यू अभी व्लॉग शुरू कर रहे हैं, पहले तेल डालेंगे फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ पूरा चार्जिंग सिस्टम हमारा आज का। बैकअप और रिफ्यूल करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं हमारे आज के प्लान ऑफ एक्शन की। तो आज हम सोमोरीरी से निकलेंगे एंड वापस क्रॉस करेंगे छारछंगला एंड मेक आवर वे टू चुमुर। जैसे कि हमें एक भले मानुस ने बताया पहले चुमुर से पहले हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे और उल्टे हाथ में लामसो को छोड़ते हुए सीधे चढ़ेंगे सालसल्ला एंड देन वी विल रीच अ हिडन लेक जिसका नाम है रियुल्सो। रियुल्सो से राइट लेंगे और कुछ 50 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंचेंगे नुरबुला एंड नुरबुला से वी विल मेक आवर वे टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला। उमलिंगला से वापस आते टाइम हम चढ़ते हैं फुतिला द 6th हाईएस्ट motorable road in the world aur wapas apna rasta banate hain towards Hanle and Hanle se we will drive towards Loma and wahan se hum lenge left turn and detour of 23 kilometers to reach Neoma our stay for tonight. So dosto finally going to the river to freshen up aur ye rahi meri nishani but it's all nicely covered up and not exposed to the world. Hamara plan ye tha ki hum gaadi yahan la ke park karte hain aur this was the डिसेंट जो हम लोग सोच रहे करेंगे यहाँ से ऑल द वे डाउन एंड पार्क द कार हियर। शुक्र है जल्दी बुद्धि आ गई थोड़ी देर में और हमने ये वाला कार नहीं किया, चढ़ तो जाती मगर तेल चलाने वाली बात थी सर। चलो दोस्तों फाइनली वी मेड इट टू द लेक। हा 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 क्या बात है यार सर, ना होता था यहाँ पर आकर सोए और लेक पे भी ना आए, ऐसी तो ही नहीं करते भाई लोग। अमेजिंग फ्रेशनिंग अप राइट नेक्स्ट टू सोमोरीरी, क्या मतलब जन्नत जहां थी। हमें रियलाइज हुआ कि जिसके अपने मैं व्लॉग कर रहा हूँ उसमें बची है सिर्फ 13% बैटरी और हमारे ड्रोन्स खत्म हो चुके हैं, हमारे लैपटॉप्स खत्म हो चुके हैं, हमारी GoPro की 7 बैटरियाँ वो तक खत्म हो चुकी हैं थैंक्स टू द कोल्ड वेदर। सब कुछ बहुत एक्सट्रीम है पर वन थिंग आई ऑलवेज सेड एंड आई हैव टोल्ड एवरीवन इज रूबीकॉन हमारी यति इज ऑलवेज चार्जिंग रेडी एंड दैट्स हाउ इट वाज डिजाइंड। सो यू कैन सी राइट हियर यति के अंदर देयर आर लॉट ऑफ चार्जिंग स्पॉट्स, देयर इज ऑल्सो अ 150 वॉट का प्लग जो हमने चार्ज किया, आप देखो लाइट ब्लिंक कर रही है ठीक है, इससे हम चार्ज कर रहे हैं हमारी ड्रोन की बैटरीज ये रही। उसके बाद GoPro की एक बैटरी वहाँ चार्ज हो रही है उसके थ्रू और एक बैटरी आगे जा रही है अस्थाना का बोरा फोन वो चार्ज हो रहा है। आगे हमने लगाया है हमारी जानसकार का HDDC कन्वर्टर, उससे हम दोनों कैमरा की बैटरीज चार्ज कर रहे हैं और
क्योंकि ये तो कभी भी खत्म हो सकती है। तुम्हें क्या लगा इतने आराम से सारी बैटरी चार्ज हो जाएंगी? ये रहा, तो देख रहे हो आप, वो हो रही हमारी अवाटा की बैटरी चार्ज। हाँ, लाइफ ऑफ अ कॉन्टेंट क्रिएटर। अस तू बताना चाहेंगे जो हम ये इतनी बैटरियाँ चार्ज कर रहे हैं क्या झमेला है राई? ऑल्टीट्यूड और ठंड। बैटरी चार्ज करो, वो दो मिनट में खाली है। रात को रखो बाहर। अब बची है 9% बैटरी, बचा लेते हैं, कुछ पता नहीं क्या होने वाला आगे। ओपनिंग। दोस्तों कैंपिंग 101, लीव इट एज यू फाउंड इट। हमने मेजरली सारा टेंट क्लियर आउट कर लिया है, अब सब कुछ गाड़ी में जाएगा एंड वील बी डन। अब वी आर गोइंग टू फिल 40 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन यति। अस्तु ने बना लिया है तेल डालने के लिए माउथ को भी। तो दोस्तों देखे ऐसे हवा निकली, एयर प्रेशर। अस्तु ने बहुत अच्छी पैकिंग करी हुई थी। अब हम पहले थोड़े तेल से इसको रेंस कर लेते हैं कि जो पानी मिट्टी कुछ भी हो निकल जाए, है ना। यति के 80 लीटर्स के टैंक में से अब हमारे पास है 30 लीटर फ्यूल और हम डाल रहे हैं 20 लीटर के दो जेरी कैन यानी 40 लीटर और फ्यूल, जिससे अब हमारी यति के टैंक में हो जाएगा ऑलमोस्ट 70 लीटर्स। पैकअप और रिफ्यूलिंग के बाद हम सोमोरीरी को अलविदा बोलते हैं और निकलते हैं अल्टीमेट लद्दाख ट्रेल की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला नियर हानले। आप सबका स्वागत है वापस डैश कैम में ऑन आर डे नंबर 3 और हमारे पीछे एकदम सोमोरीरी है और हम इस तरफ जा रहे हैं टू फाइंड आवर वे बैक टू द मेन रोड। वी आर ऑन आवर वे टू हानले व्हिच इज टेक्निकली द प्लेस हानले हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीस ऑब्जर्वेटरी एंड ऑल्सो हानले इज द वे टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोर्टेबल रोड व्हिच इज उमलिंगला, जहाँ पे पिछले साल गए थे हमारी जानकार के साथ। तो इस साल हम उधर जा रहे हैं उमलिंगला। यस, उम्मीद तो है, तेल हमने भरवा लिया है, गाड़ी का एवरेज भी हमने सेट कर लिया है, हमारे पास ऑलमोस्ट 70 लीटर फ्यूल है इस टाइम पे। तो 70 लीटर फ्यूल प्लस 40 इज 130 लीटर्स इज व्हाट वी हैव नाउ इन आर व्हीकल। बट यस, कुछ पता नहीं होता है कब कहाँ पे ज़्यादा तेल लग गया। जैसे ये हमारा जो डिटोर था, This probably would have taken 5-7 liters extra from us. हम चढ़ते हैं सोमोरीरी के ऑफ रोड ट्रेल से बैक टू द टारमैक और हमारे POA के मुताबिक हानले जाने के लिए हम फिर से क्रॉस करते हैं छारछंगला, पर उससे पहले लेट्स क्लियर द वे फॉर आवर फौजी भाई लोग। This is all possible knowing the brave men and women of our nation are guarding our borders. Salute है इनकी वीरता को। छारछंगला के बाद हम रवाना हो जाते हैं चुमूर के लिए। हमें एक लोकल भाई ने बताया था एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑफ रोड ट्रेल के बारे में, जिस पर जाने के लिए हमें चुमूर से थोड़ा पहले लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि यू नो, व्हेन आई कम टू थिंक ऑफ डूइंग दिस सर्किट, आई थिंक इट्स बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ अस्ताना एंड विकी भाई ने थोड़ा बढ़ावा दिया कि कम ऑन यू कैन डू इट। उस विकी भाई अस्ताना बता देगा तो थोड़ी देर में। ये देखिए रहा लेफ्ट हैंडले। हमने एक और रूट मिल गया भाई, मजा ही आ गया। ओके दोस्तों, अब आपको एक लेफ्ट टर्न दिखाते हैं जो टेक्निकली लेफ्ट टर्न होना चाहिए। ये है वो लेफ्ट टर्न जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। एंड फ्रॉम दिस लेफ्ट टर्न ऑफ रोड ट्रेल की शुरुआत हो जाती है और अब आकाश भाई आएंगे। गेस करो कहां से? ऊपर से। और अब कुछ एक घंटे से हम इस ऑफ रोड ट्रेल पे चले जा रहे हैं और बस चले ही जा रहे हैं, और अब थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या हम गलत ट्रेल पे तो नहीं आ गए। 5108 मीटर पे चढ़ रहे हैं, एकदम ऑफ रोड टेरेन है। आई डोंट नो, मैं गाड़ी के पीछे धूल मिट्टी उड़ते देख सकते हैं नहीं। गाड़ी को फोर ऑटो पे डाला हुआ है और वो रहे ऑटो पे डाल के पंजा देखे बस चले हुए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ जा रही है सड़क। बस ऐसे एक ट्रेल सा बना हुआ है जो आप देख रहे हो और उस पर गाड़ी चली हुई है।
एंड दिस इज द पास जो तू बता रहा था कौन सा था वो पास मैं चेक करता हूं इतने सारे लाए यहां पे कि ला 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 ही हो जाता है अगर तो हम इसके बाद राइट टर्न करते हैं तो फिर सालसाल लाई गई है चुमुर से आता है सालसाल ला तो ये चुमुर वाला रास्ता तो ही है हां वही ज्वाइन किया हमने तो और वही चल रहे हैं कितने फीट था सालसाल ला 17000 फीट ना 17041 तो दैट्स वेयर वी आर हां 5200 मीटर्स पे पहुंच गया और यहाँ पे बीआर ने लगाया हुआ है मोटा तगड़ा काम वो देखो राइट में एक जेसीबी लगी है पीछे कोई पावर जेसीबी लगी हुई थी हम थोड़े ही आगे चले होंगे कि फाइनली दिखता है एक नया पास सालसल्ला इस पास का मतलब है कि अब हम कुछ 17000 फीट ऑल्टीट्यूड पर आ चुके हैं जो कि मजाक नहीं और तो और इसका मतलब ये भी है कि हम सही ट्रेल पे जा रहे हैं और हम कुछ 4 से 5 किलोमीटर आगे ही आए होते हैं ये हमें दिखता है इस ट्रेल का सबसे अनएक्सपेक्टेड सबसे सुंदर हिडन स्पॉट जिसको देख के मैं और अस्तु दंग रह जाते हैं सो दोस्तों फाइनली ऑन अवे वेलकम टू अनदर सो अब इतना हाइप कर दिया है तो ऐसे ही थोड़ा दिखाऊंगा खास चीजों के लिए खास पेश एक खिदमत है रील्सो नदी का नाम है रियोल्सो और दिस कम्स ऑन अ वे टू हांडे वो वस्तु नाइस स्पॉट डूड ब्यूटीफुल स्पॉट मैन रियोल्सो को एक्सप्लोर करने के बाद हम करते हैं जर्नी कंटिन्यू और कुछ मिट्टी कंस्ट्रक्शन वाटर क्रॉसिंग्स थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल सुंदर नजारे और 51 किलोमीटर्स जानी कुछ 1.5 घंटे के बाद में दिखता है हानले गांव जुले दोस्त यहाँ से उमलिंगले का रास्ता कहाँ से जाना पड़ेगा सर इधर से है ऐसे घूम के ऐसे घूम के फिर ऐसे वो तो आगे रास्ता दिखेगा कुछ लगा हुआ बोर्ड बोर्ड उधर बोर्ड है बोर्ड लगा होगा वहाँ वो जो लगा नहीं लिखा है हाँ जो लिखा नहीं ऐसे ही जब आप इधर से जाएंगे ना उधर एक रास्ता मिलेगा उधर एक मकान मिलेगा इन भाई से रास्ता क्लियर करने के बाद हम निकलते हैं उमलिंगला के लिए क्योंकि फ्यूल है लिमिटेड और बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का अपन को हम लोग रास्ते पहुंच चुके हैं अनले एंड अभी समय हो रहे हैं दो तो मैंने बोला स्थान है यहाँ से हमें उमलिंगला चट के टॉप तक पहुंचने लगेंगे ढाई घंटे टॉप्स तो बाय वे टाइम व्हेन वी कैन जस्ट डू अ टुडे इटसेल्फ सो हम लोग खींच रहे हैं सीधा अपने टॉप अगर खींचने के बाद वी विल फिगर आउट आज शाम को हमारा स्टे कहाँ टू एनर्जी है ना वी टेकिंग द सेम रूट जो लास्ट ईयर मैंने लिया था उमलिंगला कच्चा रास्ता बट व्हेन वी विल कम बैक वी कम बैक फ्रॉम द पक्का रास्ता वो भी मुझे इज कम थोड़ा आइडिया है एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट दिस रूबिकॉन माइट बी द फर्स्ट रूबिकॉन टू रीच दैट ट्री वी विल हैव टू क्रॉस चेक बट इज दिस द फर्स्ट रूबिकॉन टू रीच हाउ डू वी एवर गेट देम ब्रो व्हाई नॉट वी लास्ट जीप इन इंडिया हैज एन दे शुड नो लाइक इट्स अ फीट राइट मतलब मुझे लगता है कि हाँ बहुत सारी चढ़ गई होगी बिकॉज लद्दाखियों के पास ही बहुत सारी रूबिकॉन्स है ज़रूरत होगी से में मगर ऑफिशियली डिक्लेयर करने के लिए नॉट श्योर तो चेक कर लेंगे बट I'm hopeful, I'm hoping that this should be the first route we got in India to reach Umlingla. Umlingla जाने के लिए हम क्रॉस करते हैं उगदुंगले और लेते हैं वही ओल्ड रूट जिसे पिछले साल हमने हमारी थार यानी जांस्कर से उमलिंगला कॉन्कर किया था और अब जा रहे हैं यति से इस फीट को फिर अचीव करने
धानले से उगदुंगले के रास्ते में आपको मिलेगा टारमैक फॉर ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर और उगदुंगले के बाद 18 किलोमीटर की ऑफ रोड ट्रेल चालू होती है जहां से आप क्लाइम करेंगे नरबोले ऑल्सो नोन एज नरबोला या नरबोला और उसके कुछ 1 किलोमीटर के बाद हम वापस टच करते हैं टारमैक। आपको याद होगा इन द बिगनिंग ऑफ द सीरीज आई डिड मेंशन कि हम बाल अच्छा चढ़ रहे थे 17,000 फीट पे इवन रूबिकॉन आई हैड टू इंक्रीज आरपीएम टू क्लाइम तो रूबिकॉन भी पावर नहीं उठा रही थी बट दिस टाइम पिछले 800 किलोमीटर मैंने ये चीजें जानी अबाउट माई रूबिकॉन द वे टू ड्राइव इट एंड टू टेक आउट द फुल पोटेंशियल कि इस बार वो बड़े मक्खन तरीके से ऊपर तक चढ़ गया मैं पता ही नहीं चला। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द कार इट्स अबाउट द मैन बिहाइंड द व्हील। भाई लोग पहुंच चुके हैं टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास व्हिच इज उमलिंगला। मैं एक बार पिछले साल भी उमलिंगला आया था और अब फिर आ रहा हूँ पर जो देशभक्ति की फीलिंग यहाँ महसूस होती है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है एंड दिस इज नॉट ओनली द अचीवमेंट ऑफ बीआरओ दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग यार मतलब वी आर एट 19,024 फीट कोई मजाक तो है नहीं एंड यहाँ पे है ऑक्सीजन कैफे जो कि बंद हो चुका है बिकॉज वी आर लेट। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एब्जॉर्ब इट एज मच एज यू कैन क्योंकि मेरी जो ठंड में कुल्फी जम रही है फुल पावर कुछ जाओ वस्तु गुड जॉब ठंडी बहुत है भाई फोटो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं बिफोर वी वैनिश। इट्स टाइम टू कंटिन्यू आवर जर्नी टू द नेक्स्ट स्पॉट। ऑलराइट दोस्तों दैट वन सेकंड सॉरी थोड़ा सा पीछे कर दैट वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बट टेंपरेचर इजीली सब जीरो जा चुका है हाथ पांव सब जम गए हैं। अरे वाह तो बड़ी अच्छी फोटो है। सो दोस्तों देयर आर हाईएस्ट पासेस इन द वर्ल्ड 7 out of 13 आर इंडिया इंडियन स्टार्ट्स विद उमलिंगला 19,024 feet टू रोड टू उर्चिन विच इज़ इन चिली टू माना पास फिर मार्शिकमाला फिर सेमोला फिर पोतीला टोंकेकला कंगसिकला छांगला खारदुंगला तानलंगला मतलब खारदुंगला टॉप लिस्ट में लास्ट में आता है एंड देन वारेला। तो वॉट इज़ आर प्लान नाउ इज हम नीचे जा रहे हैं एंड वी वांट टेक द टारमैक रोड टूवर्ड्स हानले एंड वी विल सी अगर आज रात वी कैन गो टू द हानले ऑब्जर्वेटरी बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं तब तो अलाउड नहीं था बट होपफुली दिस टाइम दैट शुडंट बी द केस। 19,000 फीट पे AMS हल्का हल्का किक इन कर रहा है कल रात की तरह इज लिटिल बिट ऑफ प्रेशर माय साइनस बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड और इक्विप्ड फॉर इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गेन 2000 फीट और एनी टाइम जब आप 2000 फीट गेन करते हैं आपको उस ऑल्टीट्यूड पर एक्लेमेटाइज होना पड़ता है उसके लिए आपको 1 to 2 days लगते हैं। दैट्स द साइंस दैट्स द बेसिक। उमलिंगला से उतरने के बाद और कुछ 30 किलोमीटर के अंदर हम चढ़ना शुरू करते हैं ऑन द अदर रूट बिटवीन उमलिंगला एंड हानले और इस बहुत लंबी और टायरिंग ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं टू द 6th हाईएस्ट मोटरेबल रोड फोतिला। सो दोस्तों फाइनली मेड इट टू फोतिला नॉट फोक्तिला फोतिला 18,024 फीट एंड दिस ऑल्सो हैपेंस टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस इन द वर्ल्ड। और अब जो AMS की किन हुआ और मेरी हालत खराब हुई ओ हो आप सुन ही सकते हो मेरी आवाज से कि मेरी क्या ही हालत हो गई है। चल।
और जैसे तैसे हम डिसेंड करने लगते हैं एंड फाइनली सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और पहुंचते हैं हानले जहां हम खाते हैं एक बहुत दिल खुश करने वाला चिकन चाउमिन। तो दोस्तों फाइनली हम लोग वापस पहुंच चुके हैं टू हानले और अभी क्विकली रुक कर कुछ खाया था, फटाफट तब रिकॉर्ड करना भूल गया, दिमाग ज़्यादा चल रहा था। एंड नाउ कम ऑन अस्तु, वेलकम बैक। अस्तु गया था हमारा चेक करने के लिए हानले में, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है उसको क्या सिचुएशन है, जा सकते हैं नहीं, कर सकते हैं नहीं। सिचुएशन तो सैड है ऑब्जर्वेटरी का। क्या बोला क्या उसने? शाम को 6 बजे, 5 बजे बंद हो जाती है, कभी कभी 6 बजे तक खुल के रखते हैं। कभी टाइम क्या हो रहा है? 7 बज रहे। तो उसमें दिखाते क्या ऑब्जर्वेटरी में? बस आप ऑब्जर्वेटरी देख सकते हो जाके। तो वो तो फिर रुक जाते हैं और रातों पल्स पे देख के चल पड़ेंगे। देखना है तो मैं तुझे देखना है, मैं तो दूर से देखा हुआ है, मैंने तो वही बहुत। मैं भी खुश हूँ। ठीक है तो बिकॉज मतलब अनलेस नाइट स्काई देख सको तो क्या करना है, मतलब नाइट स्काई तो आज नहीं है, आज तो इट्स ऑल क्लाउडी। ए सन को मत देखो, उधर देखो, ठीक है, बड़े आए हैं वो देखो, वो आ रहे हैं। तो लेट्स गो टू लोमा देन, आई थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे रुकने का पॉइंट नहीं है, मतलब ऑब्जर्वेटरी वी डोंट वांट टू, मतलब दिन में जाके देखने का कोई पॉइंट नहीं है, तेरे घर पे टेलीस्कोप लगा हुआ है। Obviously, they will just show you the observatory ke liye aisa hai. They won't show you stars from it. Correct. To dosto, change in plan. Wi-Fi network kuch hai nahi. Yahan pe Wi-Fi hota hai Hanle mein, magar aaj kisi ka chal nahi raha. Aur hum 2 din se out of network hai. So it's very important for us to come back in network a little bit and catch up on. Astu's got a bloody big business to run, yaar Astu. लोग तो हल्के में ले रहे हैं भाई। नेक्स्ट स्टॉप लोमा, लोमा के लेफ्ट में है हमारा न्योमा, तो वहां पे जाके रुकेंगे रात को, फिर कल से वहीं से निकलेंगे सीधा, है ना? फिर अगली बार को जुगाड़ करके आएंगे भाई, प्लीज रात को तारे दिखा दो अगर कोई देख रहा है, और अगर आप जुगाड़ करा सकते हो भाई रात को तारे दिखाने के ऑब्जर्वेटरी से, कमेंट सेक्शन में लिखो, वी रीच आउट टू यू, पहुंच जाएंगे तारे देखने, तारे देखने। फाइनली सीनिक सनसेट के साथ हम क्रॉस करते हैं लोमा, और लोमा से राइट टर्न लेके कुछ 23 किलोमीटर के बाद हम पहुंचते हैं हमारे आज रात के स्टे पर न्योमा। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद फाइनली जब हम पहुंचे लोमा, तो हमने डिसाइड किया कि हमें थोड़ी नेटवर्क की ज़रूरत है, इसलिए हमने लोमा से लिया लेफ्ट एंड हम आ गए न्योमा विच इज़ ऑन 25 किलोमीटर्स, और यहाँ पर हमें मिल रहा है एयरटेल और जियो दोनों का नेटवर्क। तो 3 दिन से हम नेटवर्क के बाहर थे, टूटी फाइनली हम नेटवर्क, तो इसका मतलब ये है कि सारा डेटा फटाफट कॉपी कर लिया जाए, सारे क्लाइंटों से बात कर ली जाए, और अस्तु जी भी अपना धंधा पानी चला सके, हैं अस्तु जी? तो ये है हमारा 1000 रुपीज़, ये हमारा 1000 रुपीज़ पर नाइट का कमरा, जिसमें है 3 बेड, तो हम 2 ही हैं, और ये है मेरा लंगारा पूरा, एंड नाउ वी आर गोना क्विकली डू ऑल द वर्क सो दैट हम कल टाइम पे निकल पाए, उम्मीद है टाइम पे निकल पाए, नहीं निकल पाए देखेंगे। हाल में नहीं रुके हम, क्योंकि लास्ट में जो बताया ऑब्जर्वेटरी का पता चला हमें, एंड देन वी रियलाइज़ की अगर आपको पहुँचना है तो चाहिए पहुँचना, मतलब नेटवर्क मिल जाए, हम थोड़ा काम कर सकें, बिकॉज काम करना भी जरूरी है। बट कल सुबह उठते ही व्हील हेड आवर वे बैक ऑन द सर्किट, 25 किलोमीटर डिटोर किया है, तो देखते हैं उसका तेल का कॉम्पनसेशन कैसे करेंगे, वो कल सुबह ही पता चलेगा। बट फॉर नाउ हालत टाइट है, और अभी समय हो रहा है 9:45, तो 11-12 बजे तक काम करके पास आउट होने का प्लान है। आई सी यू इन द मॉर्निंग, ठीक है, तुम भी गुड नाइट बोल दो, सुबह मिलते हैं। फेज टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके हम कल तैयारी करेंगे फॉर द लॉन्गेस्ट ड्राइव ऑफ द अल्टीमेट लद्दाख ट्रेल। हम जाएंगे न्योमा से पैंगोंग होते हुए नुब्रा वैली, क्रॉसिंग द इंडिया एंड चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया बॉर्डर, और फिर शुरू होगी एक बहुत लंबी और डरावनी रात की ड्राइव। प्यार देते रहे दोस्तों, अभी सफर काफी लंबा है और आपका सपोर्ट काफी जरूरी। जय हिंद।